Hello everyone, in this video we are going to discuss back cross. A cross is made between F1 hybrid with either of its parents is known as the back cross. Back cross में हम F1 hybrid का cross इसके parents से कराते हैं. Mendel ने अपने cross में tall and dwarf को लिया था. Pure tall and pure dwarf को उन्होंने एज ए पेरेंट सेलेक्ट किया और उसे उन्होंने F1 हाइब्रिड बनाए. F1 हाइब्रिड में क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है. तो जब इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस बैक विद इट्स पेरेंट्स कराते हैं तो ये बैक क्रॉस कहलाता है, इसलिए इसको बैक क्रॉस बोलते हैं. बैक क्रॉस इज ऑफ टू टाइप. बैक क्रॉस की दो टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक तो आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस. आउट क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस में क्या करते हैं, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 हाइब्रिड विद इट्स डोमिनेंट पेरेंट्स. जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस इसके डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो वो आउट क्रॉस कहलाएगा, और जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है. सो इट इज ऑफ टू टाइप. किस तरह से हम आउट क्रॉस करेंगे, आउट क्रॉस में F1 हाइब्रिड का क्रॉस इसके डोमिनेंट पेरेंट्स कैपिटल टी से कराते हैं. तो F1 हाइब्रिड क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, और डोमिनेंट पेरेंट्स क्या होंगे, कैपिटल टी. F1 हाइब्रिड के गैमेट्स बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और डोमिनेंट पेरेंट्स में एलील सेम है तो उसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी. इसको चेकर बोर्ड में हमने प्लेस कर दिया. F1 हाइब्रिड के दोनों गैमेट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और डोमिनेंट पेरेंट के गैमेट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है. तो क्या कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए, कैपिटल टी, और इसके कॉम्बिनेशन से कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस हुआ. तो ये 100% टॉल करेक्टर यहाँ पर अपीयर हुआ है. इसी तरह से जब हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो F1 हाइब्रिड रिसेसिव पेरेंट्स के क्रॉस करने पर 1:1 रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. किस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट से एक ही गैमेट बना क्योंकि एलील से यहाँ पर सेम है. इनको हमने चेकर बोर्ड में प्लेस कर दिया. ये दोनों गैमेट को हमने यहाँ प्लेस किया है और रिसेसिव पेरेंट्स के गैमेट को यहाँ प्लेस किया है. क्या कॉम्बिनेशन अराइज होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर ये स्मॉल टी, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है. तो 50% टॉल करेक्टर और 50% ड्वार्फ करेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 1:1 टेस्ट क्रॉस का हमारा रिजल्ट है. तो दिस इज ऑल अबाउट बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बिकॉज इट इज़ यूज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ द F1 हाइब्रिड. F1 हाइब्रिड की जीनोटाइप को स्टडी करने के लिए, चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है. इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मेंडल ने जो दो प्रिंसिपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेस पर दिया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया. ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल हैज़ गिवन इट्स टू प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. इस वीडियो में हम एक ही प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. मेंडल ने अपने क्रॉस में क्या ऑब्जर्व किया था, जब वो टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस करता है तो 100% टॉल करेक्टर F1 हाइब्रिड की फॉर्म में मिलते हैं. बट जब F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग करता है, मीन्स F1 का क्रॉस जब F1 से करता है, तो 3:1 की फॉर्म में टॉल एंड ड्वार्फ दोनों प्रोड्यूस होते हैं. तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए, अपने क्रॉसेस के रिजल्ट को देखते हुए, मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया. प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या है, उसने बताया कि एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई फैक्टर्स.
एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई फैक्टर्स। और उसने कहा कि जब टॉल एंड ड्वार्फ को क्रॉस कर रहे हैं तो 100% टॉल आ रहे हैं, बट इसी F1 हाइब्रिड में जो टॉल मिला उसकी सेल्फिंग करने से, टॉल और टॉल की क्रॉस करने से क्या आ रहा है, टॉल एंड ड्वार्फ दोनों आ रहे हैं। तो उसने कहा कि एक फैक्टर के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है, देर आर टू फैक्टर्स जो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फैक्टर्स उस अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या हुआ, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। इन दो लाइनों को हम एक साथ भी बोल सकते हैं, एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई पेयर ऑफ फैक्टर्स। और क्या मेंडल ने बताया, इन केस ऑफ डिससिमिलर फैक्टर्स, जैसे कि एफ एन हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, तो इसमें डिससिमिलर फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो इन केस ऑफ डिससिमिलर फैक्टर्स, वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। अगर डिससिमिलर फैक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, तो एक फैक्टर कैपिटल टी डोमिनेट करता है दूसरे फैक्टर स्मॉल टी पर। दिस वॉज द प्रिंसिपल गिवन बाई मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, द अपीयरेंस ऑफ ओनली डोमिनेंट इन F1 जेनरेशन। क्या था F1 जेनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों फैक्टर इसमें प्रेजेंट हैं, बट F1 जेनरेशन में सिर्फ कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करता है। तो अपीयरेंस ऑफ ओनली डोमिनेंट इन F1 जेनरेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही अपीयर हो रहा है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, द अपीयरेंस ऑफ ओनली डोमिनेंट इन F1 जनरेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। वी कैन एक्सप्लेन दिस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी तरह से एंड ऑल्सो 3:1 इन F2 जनरेशन इज ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही F1 हाइब्रिड में सिर्फ 100% डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होते हैं, और लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही F2 जनरेशन में जो 3:1 आई है, जब हम टॉल का टॉल के साथ क्रॉस करते हैं बट दोनों करेक्टर अपीयर होते हैं, ये सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही है कि जब डिससिमिलर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक फैक्टर डोमिनेट करता है दूसरे फैक्टर को, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होता है और F2 जनरेशन में 3:1 की फॉर्म में टॉल एंड ड्वार्फ करेक्टर अपीयर होते हैं। 75% डोमिनेंट करेक्टर और 25% रिसेसिव करेक्टर अपीयर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक यू सो मच।